राम राम सा सारी यूट्यूब फैमिली ने कुकु भाई साराज के चैनल में आज आप ग्वार फले की सब्जी बनावांगा, सूखी सब्जी बनावांगा ग्वार फले की बिगर तेल की और आपने दिखावांगा। कुकिंग हमारा कुकु भाई सा करेगा। तो देखो ये ग्वार की फली है, ताजा फली है, यहाँ फले हम बाड़ी से लाया अपनी से हाँ बाड़ी से लेके आया ये फली और अन चूट के धो के साफ कर ली और अब आप फलियां ने बॉईल करांगा बोल दे। आज को बॉईल करेंगे आज। हाँ, आज पूरी कुकिंग को कुकू भाई साहब की करेंगे, खाना बना के देंगे कुकू भाई साहब। और कुकू भाई साहब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। बोलो मैं सिखाई तुम मैं क्या कर रहा हूं। हां बोलो तो फैमिली को बोलो पूरी फैमिली कुकू भाई साहब के चैनल ने ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करया करो। कुकू भाई साहब को चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करया करो। कुकू भाई साहब आपने खाना बना के दियोगा नबी को तो आते हैं हैं तो के बता दे तो प्लीज साफ कर ली के बता दो। मैं साफ कर ली हूं को आयु या देख लो अब बोल दो ये तो कहिए तो कहिए तो कहिए बोल दो ये फली बॉईल लो फली बॉईल ना हम सारी फली हम बॉईल कर लेंगे हाँ। आज आपको कुकू भाई साहब सब्जी बना के दिखाएंगे। कुकू भाई साहब रोटी सब्जी सब बनाते हैं, आपको कैसी लगती है, पसंद आती है या नहीं तो जरूर कमेंट में लिख के बताना और सब्सक्राइब जरूर करना। कुकू भाई साहब का चैनल है ना, सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आज कुकू भाई साहब खाना बना रहे हैं। मैं आज कदे आपको सूखी सब्जी राजस्थानी खानो बना के दिखाऊंगी, ग्वार फली की सब्जी और मतीरी का रायता। ये कुकू भाई साहब ने मतीरी काट लिया है, इस मतीरी का रायता बनाएंगे हम और आपको दिखाएंगे। आप सूखी सब्जी के लिए ये लहसुन लियो है, लहसुन ने अध कुटो जरूर लगाई ने और एक अंदर है बस और कोई ज्यादा चीज कौन पड़े। ये मिर्ची डाल लगा, मिर्ची आप जितनी खाओ जितनी मिर्ची डाल लो और नमक स्वाद अनुसार नमक। अभी आप सभी चीजा ने एक अंदर निकाल लगा। हवा नीचे तार आपने गर्म होगी है तो देखो फिलहाल ज़्यादा बॉयल नहीं करनी। अगर आप ज़्यादा बॉयल करांगा तो बिगर तेल की सूखी सब्जियां ना तो ये अच्छी गुण बनेगी। तो आपने बॉयल कर ली, बॉयल करके और ठंडी कर ली और ठंडी करके ये फिर आप साफती साफती रखनी है। अनफड़िया ज्यादा नहीं उबालने, ज्यादा उबालने से तो क्या अनफड़ी बीज के वहीं से पाट जाएंगे तो आप ज्यादा को नहीं उबाला। जो मसालो आप करके रख रखे हो इमें मिर्च मसाला खाली मिर्च लहसुन और नमक यही चीजा डालिए वो मसालो वहां से अंदर डाल रहा हूँ। इमें धनिया और हल्दी कौन पड़े ना ही मैं तेल घी कोई सूज हो बस खाली इन्हें भारत तो मैं तो इन्हें भुजी बोला इन सब्जी को नाम भुजी बोला आपका कठे के बोल रहे तो आप हमारा कमेंट जरूर लिख के बताइए। अब इनके अंदर सारी इनके अंदर मिला देगा यह ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने सूखी सब्जी साथ में कोई तरी की सब्जी बनाओ तो या सूखी बना के आप खाओ तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बने हैं। जो आप जो आप धुआं को तड़को देंगा तो वो धुआं बाहर नहीं निकल सके। आप आई के अंदर एक खीरो रख लियो, अब ये बीच में थोड़ी सी जगह करके पूरा आप ये खीरो रख देगा। थोड़ा नींबू है, नींबू की खटाई कर दिया तो थोड़ी सी नींबू की खटाई से अच्छा लगे सी टेस्ट बदल जाए वो। अब आप आई के अंदर ऊपर घी डाल दें
जमीन डक देना यहाँ अंदर निकाल देना। इनके अंदर पूरे में खुशबू होगी है और आप यहाँ यहाँ करके और इनके अंदर मिला के और इन ढक्कन लगा के ले देना। अपनी ग्वारफली की भुज्जी बन के तैयार हो गई है। नहीं तेल डालो नहीं घी डालो और बहुत से थोड़ा मसाला के अंदर ही बन गई। गर्मियाँ के अंदर जितनी आप थोड़ा मसाला की सब्जी खाऊंगा जितनी आपने फायदेमंद रहेगी। और पहले तो यह सब्जी चौमासा में ही मिला करती और तो हर ऋतु के महीने ये फलियां फलियां मिल रहे तो आपको शौकत भी पूरा कर सको। आपने भुजी है ना वा देखो बनके तैयार हो गई है और बहुत से झटपट ज्यादा बन जा है। और आप परांठा या बाजरे की रोटी या चपाटी के साथ कोई चीज के साथ आप खा सको। और आपने कहा कि लगा आप ट्राई जरूर करियो लेकिन एक अंदर देसी बघार दियो। अगर तेल दाल या छुपोगा तो बढ़िया कौन बनेगी। और मैं तो इन्हें भुजी बोला आपके के बोलना है इन्हें तो माना है ना कमेंट में जरूर लिख के बताओ। और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलो। लाइक सब्सक्राइब करना भूलो। आगे वीडियो तक रहो आप साथ।